हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज ना हम सीखेंगे कि क्रोशिया से ना सर्कल कैसे बनाया जाता है बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर्कल जब हम बनाते हैं कोई भी थाल बनाते हैं या फिर कुछ भी आप जो गोल बनाते हैं वो हमेशा साइडों से मुड़ जाता है मतलब टोपी टाइप बन जाता है कभी वो अच्छे से पूरा फ्लैट फ्लैट करके गोल नहीं बनता है तो आज मैं आपके साथ कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका जो क्रोशिये से जो आप सर्कल बनाओगे वो एकदम फ्लैट रहेगा और बहुत ही अच्छे से बनेगा तो उसके लिए हमने सबसे पहले ऊन ले लेनी है और साथ में क्रोशिया ले लेना है अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत तरह के क्रोशिया आते हैं देखिए यहाँ पे आपको सिलाई की तरह क्रोशिया भी मिलेगा ये देखिए ये सिलाई की तरह क्रोशिया है ये भी आते हैं इस क्रोशिए से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनते हैं स्वेटर्स के जो कि आपको जैसे आप सिलाइयों से बनाते हो सेम उसी तरह से आप मतलब क्रोशिए से भी बना सकते हो अब क्रोशिये में बहुत सारे नंबर आते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेकिन आपको यहाँ पे ना कौन सा वाला सेलेक्ट करना है ये आपने सोचना है ठीक है आपकी अगर वूल मोटी है तो मोटे मुंह वाला क्रोशिया चाहिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा धागा होना चाहिए जो क्रोशिये के मुंह में अच्छे से फिक्स हो जाए ठीक है उससे जो है आपका क्रोशिया बिल्कुल सही चलेगा कहीं पे ढीला लूज टाइट कुछ भी नहीं होगा ठीक है अब जो बड़ा क्रोशिया है उसके लिए हमको बड़ी ऊन चाहिए देखिए ये वाली ऊन इस क्रोशिया में नहीं चलेगी क्योंकि ये बड़े मुँह वाला क्रोशिया है इसमें हमको मोटी वाली ऊन चाहिए वो इसमें चलेगी जितना पतला मुंह होगा क्रोशिया का उतना ही पतला वूल चलेगा जितना मोटा मुंह होगा क्रोशिए का जितना भी हुक जो बड़ा होगा उसमें बड़ा वाला वूल चलेगा अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा वाला क्रोशिया सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए जो लॉन्ग आते हैं इससे आप बड़ी बड़ी स्वेटर्स बना सकते हैं पूरा जैसे सिलाई होती है उसी तरह से ये भी आते हैं तो चलिए अभी मैं आपको इस वीडियो में सर्कल के बारे में बताने वाली हूं बाकी आपको कृषि के रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे

अब क्रोशिये को यहाँ से हमने अंदर की ओर से डालना है आगे से धागा लेकर आएंगे और इस जो एक हमने नॉट बनाया था इसके बीच से निकाल के इसको टाइट कर देंगे तो ये हमारा एक नॉट बन गया है यहाँ पे ठीक है एक बन गया है तो चलिए अब मैं आपको ये पूरा बताती हूँ कि ये सर्कल आपने किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे इसको बनाना है बहुत ईजी तरीके से तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर लेना है ये देखिए ये एक जो हमने जो है यहाँ चेन बना लिया है क्रोशिये के ऊपर तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले चार पांच चेन बना देंगे ठीक है चेन बनाने का तो आपको पता है किस तरह से मैं बताती रहती हूँ वीडियोस में बस इस तरह से हमने चार पांच चेन बना लेनी पांच चेन बना लीजिए उसके बाद अब हम फर्स्ट वाली चेन में से निकालेंगे इसको जो हमने सबसे पहली चेन बनाई थी उसके बीच से निकाल लेंगे और आगे से धागा लेकर आएंगे और इसके बीच से इसको निकाल देंगे पीछे वाले के बीच से मतलब धागा एक ही बारी में लेके आना है दो बार नहीं अब यहां बीच में सर्कल बन गया है ना अब इसी सर्कल में से हमने बनाना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे तो डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे हम ठीक है तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है इसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से भी बना के अपलोड कर दूंगी अब यहाँ पे डबल क्रोशिया में हमने क्रोशिया के ऊपर धागा लेना होता है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा ये देखिए एक दो ये दो चेन बना दी मैंने सर्कल हमारा यहाँ पर आ गया ठीक है अब यहाँ पे हम क्रोशिए पे धागा ले लेंगे इस तरह से और ये जो सर्कल है सर्कल के बीच से निकाल के क्रोशिए को आगे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ देखिए ये कितने हो गए हमारे तीन हो गए सबसे पहले आगे वाले दो में से हमको धागा निकालना है उसके बाद हम ये देखिए आगे वाले दो में से हमने धागा निकाल दिया अब यहाँ पे फिर से दो हो गए अब हमको इन दोनों में से धागा निकालना है दो दो करके धागा निकालना है तो यहाँ पे एक तो हमने जो दो चेन एक्स्ट्रा बनाई थी वो हो गया और एक हमारा डबल क्रोशिया बन गया ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट फिर से क्रोशिये पे धागा सेम सर्कल में से निकालेंगे आगे से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पे पहले आगे वाले दो में से धागा निकालेंगे फिर पीछे वाले दो में से धागा निकालेंगे सेम उसी तरह से क्रोशिये पे धागा सर्कल में से लेकर जाएंगे आगे से धागा लेकर आएंगे पहले इन दो में से निकालेंगे फिर पीछे वाले दो में से निकालेंगे फिर से क्रोशिया पे धागा सर्कल में से लेकर जाएंगे आगे से धागा लेकर आएंगे तो हमारे यहाँ तीन बन जाएंगे सबसे पहले आगे वाले दो में से निकाल लेंगे फिर हमारे पास दो बच जाएंगे फिर पीछे वाले दो में से निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये हमारा एक तो चेन वाला है स्टार्टिंग वाला दो चेन और बाकी के डबल क्रोशिया बनते जा रहे हैं अब आपने डबल क्रोशिया यहाँ तब तक बनाने हैं जब तक आपका ये सर्कल पूरा अच्छे से फिल नहीं हो जाता समझ रहे हैं बस इस तरह से आपने यहां बनाते जाना है जब तक आपके ये पूरे डबल क्रोशिया मतलब आपको लगे कि अब कोई जगह बची नहीं है तब तक आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है क्रोशिया पे धागा सर्कल में से डालेंगे आगे से लेकर आते जाएंगे फिर से क्रोशिया पे धागा सर्कल में से डालेंगे आगे से धागा लेकर आएंगे और दो का एक दो का एक फिर से क्रोशिया पे धागा सर्कल में से डालेंगे आगे से धागा लेकर आएंगे <laughs> और ये बनाएंगे अब यहां पे लोग गलती क्या करते हैं कि इसको पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं ठीक है यहां पे डबल क्रोशिया कम बनाते हैं डबल क्रोशिया बना रहे हो सिंगल बना रहे हो ट्रिपल बना रहे हो यहां पे कम बना लेते हो आप जिसकी वजह से ये टोपी बन जाती है आपको यहां पे ये इतने बनाने हैं जिससे ये पूरा फिल हो जाए फिर देखना आपकी बिल्कुल भी टोपी नहीं बनेगी ठीक है अभी देखिए मैं आपको गिन के बताऊंगी यहां मैंने कितने डबल क्रोशिया बनाए हैं फिर से नेक्स्ट दो का एक दो का एक ठीक है अब मुझे लग रहा है कि ये सफिशियंट है तो अब हम क्या करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने दो चेन बनाई थी ना एक और दो अब जो दूसरी वाली बनाई थी उसके बीच में से हम इस तरह से धागे क्रोशिया को डालेंगे आगे से धागा लेकर आएंगे और अब इसी को हमने पीछे वाले में से निकालना है एक्स्ट्रा धागा लेकर नहीं आना है अभी आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल लेना है अगर हम अगर आप आगे से धागा लेकर आओगे तो यहाँ पर ना ये ऊंचा हो जाएगा हमको बराबर रखना है इसके ठीक है अगर आपने ऊंचा नहीं करना है तो इसको बराबर रखना है तो उसके लिए आपने क्या करना है आगे से धागा लेकर नहीं आना है सिर्फ आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे में से निकाल लेना है तो यहां देखिए ये यह सर्कल बन गया अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने कितने डबल क्रोशिया बनाए हैं एक तो हमारा आ गया था वो चेन वाला उसको छोड़ के एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितने बने हमारे पंद्रह डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे अब फिर हम क्या करेंगे अब जैसे हमने नेक्स्ट रो बनानी है एक रो तो हमारी बन गई अब जैसे हमको नेक्स्ट रो बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक चेन दो चेन अब इसका कंसेप्ट समझ लो पहले ये जो हम दो चेन बनाते हैं ना ये हम डबल क्रोशिया देखिए जैसे अब आप यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाओगे मान लो कि आपने ये चेन हटा दी यहाँ से ठीक है और आपने डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना दिया ये देखिए क्रोशिया पे धागा लिया और आगे वाले में से आपने डबल क्रोशिया बना दिया तो वो डबल क्रोशिया कैसा बनेगा देखिए यहाँ से ये खिंचा रहेगा और डबल क्रोशिया लेट जाएगा जो आपने ये बनाया डबल क्रोशिया ये लेट जाएगा एकदम उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये लेटे ना एकदम से सीधे सीधे डबल क्रोशिया बने उसके लिए हम यहाँ पे दो चेन पहले ले लेते हैं अब आप डबल क्रोशिया बना के देखो यहाँ पे क्रोशिया पे धागा ले लिया और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बना लिया अब देखिए अब ये लेटेगा नहीं लेटेगा दोनों बराबर आ गए ना सीधे एकदम तो ये एकदम परफेक्ट बना अब यहां पे एक चीज करनी है जैसे आपने डबल क्रोशिया बनाया तो दो चेन लेने हैं सिंगल क्रोशिया बनाओगे तो एक चेन लेना है ट्रिपल क्रोशिया बनाओगे तो तीन चेन लेने हैं ठीक है ठीके? अब आपने ये चीज का ध्यान रखना है क्रोशिया पे धागा फिर से अब हम चलेंगे आगे अब जो एक आपने यहां डबल क्रोशिया बना लिया एक चेन में से अब नेक्स्ट चेन में से हम क्या करेंगे दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार नहीं बनाएंगे अभी दो बार बनाएंगे इसमें से दो बार बना लिए नेक्स्ट चेन जी जो नेक्स्ट वाला है यहां से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यह क्यों करना है यह भी मैं आपको बताती हूं एक बार बना दिया नेक्स्ट वाले में से हम कितनी बार बनाएंगे दो बार बनाएंगे ये देखिए यहां पे दो बार बना दिए अब समझिए इस चीज को यहां पे आपने बनाए पंद्रह अगर यहां पर भी पंद्रह बनाओगे तो क्या होगा ये टोपी बन जाएगी इकट्ठा हो जाएगा बिकॉज आगे वाला और बाहर वाला और अंदर वाला बराबर हो गए तो फिर वो क्या होगा कि इस तरह से इकट्ठा होने लग जाएगा इसको सीधा रखने के लिए हमको एक चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है सॉरी गलत बोल दिया एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनाना है ठीक है जैसे ये देखिए इसमें से मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाया इसमें एक बार बनाया फिर से क्रोशिया पे धागा नेक्स्ट वाले में से लेंगे यहां देखिए ये वाला हमारा दो बना है तो यहां एक ही बनेगा फिर से क्रोशिया पे धागा आगे वाले में से दो बार बनेगा एक ही चेन में से दो बार बनाना है डबल क्रोशिया ठीक है अब इसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा तो सिंगल सिंगल जो बार, एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया उसके आगे वाले में से दो बार डबल क्रोशिया एक बार बन गया दो बार बन गया फिर से क्रोशिया पे धागा नेक्स्ट वाले में से सिंगल डबल क्रोशिया ठीक है उसके आगे वाले में से ये मैं आपको पूरा इसलिए बता रही हूं कि आप खुद ही देखिए ये बिल्कुल भी टोपी नहीं बनेगा दो बार बना देंगे इसका नेक्स्ट वाले में से एक ही बार उसके आगे वाले में से दो बार डबल क्रोशिया एक दो उसके आगे वाले में से एक बार और उसके आगे वाले में से दो बार अब इसमें से दो बार बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार हमने जो वो तीन चेन ली हुई है ये, दो चेन ली हुई है ये देखिए दो चेन ली हुई ना अब एक बार हमने बना दिया है अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लाके इसके साथ ज्वाइन करेंगे कैसे ज्वाइन करना है धागा एक ही बारी में निकाल लेना है और पीछे वाले में से निकाल लेना है तो यहाँ देखिए आप बन गया ना बिल्कुल सीधा आपको कहीं से ये मुड़ा हुआ दिख रहा है देखिए बिल्कुल सीधा है और इसको आप जब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखोगे ना तो ये अपने आप देखना और ज्यादा थोड़ा सीधा हो जाएगा ये थोड़ा लूज भी होता है मतलब ढीला होता है थोड़ा ऊन थोड़ी सी लूज होती है तो ये अपने आप और ज्यादा वो आ, सीधा हो जाएगा ये देखिए बिल्कुल सीधा है अब इसके नेक्स्ट आपने अगर रो बनानी होगी तो क्या करना है थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ नेक्स्ट नहीं ने बनाऊंगी मैं यहाँ पे दो चेन बना लेनी है और उसके बाद एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया एक चेन में से दो बार डबल क्रोशिया आपने जितनी ऊपर ऊपर बढ़ाते जाना है एक में से एक एक में से दो तो ये खुला होता जाएगा अगर आप नीचे वाली के बराबर में बनाओगे तो ये खुलेगा नहीं टोपी बन जाएगा ठीक है समझ गए तो मैं होप करती हूँ कि आप यहां तक समझ गए हो कि ये मैंने सर्कल कैसे बनाया है इसको बस लूज रखने के लिए आपको एक में से एक बार डबल क्रोशिया एक चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बस ये करते जाना है आपने और इसकी लेयर्स जो बस ऊपर के ऊपर बढ़ाते जाना है ठीक है अब डिजाइन इसमें बहुत सारे आते हैं वो मैं धीरे धीरे करके डिजाइन भी डालूंगी लेकिन फिलहाल अभी आप इसका जो बेस है ना उसको अच्छे से समझ लीजिए कि सर्कल का बेस किस तरह से बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा ईजी होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया है आप मेरे टिप्स को फॉलो करना आपका सर्कल एकदम परफेक्ट बनेगा अब टोपी क्यों बनता है वही मैंने आपको बता दिया एंड सेकंड चीज़ आपने एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आप यहां से धागा फिंगर के ऊपर रखते हो ना इसको थोड़ा सा ना ज्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट करना है अगर खींच के रखोगे ना तो भी टोपी बनेगा चाहे आप एक में दो एक में एक बनाओगे अगर ये धागा आप खींच के रखोगे तो भी ये टोपी बनेगा ऐसे खींच के अगर इसको रखा होगा तो इसको आपने थोड़ा सा लूज और ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट रखना है एकदम मीडियम आराम से धागा चलता रहे ठीक है तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप ये चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका जो सर्कल है ये बहुत ही आसानी से बनता है ये सर्कल बना के आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो इस तरह का जो थाल पोश बनते हैं इतने प्यारे प्यारे डिजाइन के थाल पोश बनते हैं इसी बस ये बेस बना है बेस के ऊपर आप अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से थाल पोश या फिर और भी जो टेबल कवर्स आते हैं राउंड में कोई टीवी का कवर बहुत सारी चीजें बनती हैं क्रोशिया से और जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हैं तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करना सब्सक्राइब भी करना फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर